गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, जिमें कि असी पहला पार्ट नंबर 12 पेंडू जीवन अते समाज रूरल लाइफ एंड सोसाइटी बारे पढ़िया सी, वो पार्ट असी पूरा कर चुके हाँ। तो भारत ब्रिटिश साम्राज्य अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया सी, ते उन्हां दा सिर्फ इक्को मकसद सी वध तो वध भारत का आर्थिक शोषण करना, अजिहियां नीतियां तैयार करनियां जिस नाल भारत का वध तो वध आर्थिक शोषण हो सके, वध तो वध रुपया कमा के इंग्लैंड ले जाया जा सके, भारत विचों कच्चा माल ले जा के तैयार माल नूं भारत विच ही बेचा जा सके, भाव भारत नूं एक मंडी एक बस्ती के तौर पर वरतन लगे। तो उन्होंने हरेक खेत्र का शोषण किया, जिवें पेंडू अते पेंडू लोगों का उन्होंने अपने अधीन वख वख प्रांतों विच वख वख लगान प्रणालियां चलाईयां, जिवें सब तो पहला ठेके ते भूमि देण दा प्रबंध चलाया सी वॉरन हेस्टिंग ने, पहला 5 सालों वास्ते फिर 1 साल लई, फिर उस तो बाद 1793 दे विच 1793 के लॉर्ड कॉर्नवॉलिस ने चलाया परमानेंट सैटलमेंट, स्थाई बंदोबस्त चलाया। तो उस दे अधीन भी कोई जो शोषण होया बंगाल बिहार उड़ीसा ते हजे जो कसर रहिंदी सी, फिर उस तो बाद उन्होंने रेतबाड़ी जिमीदारां नूं विचालों हटाता, उन्हां अंग्रेज़ां दा कोई अपना नहीं सी, किसी नाल उन्हां दा कोई संबंध नहीं सी, ना खून दा रिश्ता सी, सिर्फ वह वरत रहे सन, लोगों नूं यूज़ कर रहे सन, यूज़ एंड थ्रो दा ढंग वरते, वरतो ते सुट्टो उन्हां दी नीति सी। रेतबाड़ी सीधा किसान दे नाल कीता, थॉमस मुरू ने चलाया सी 1820 मद्रास अते बंबई दे विच, फिर चलाया महलवाड़ी, ये चलाया सी उत्तर प्रदेश पंजाब अते मध्य भारत विच, ये पूरे भाईचारे नाल ये पूरे भाईचारे नाल ठेका हो गया, तो वो पूरा भाईचारा आपस दे विच वंड के ठेका भरदा सी लगान भरदा सी, भाव अंग्रेज़ों का मकसद सी वध तो वध भारत का आर्थिक शोषण करना, ये असी पढ़ चुके हाँ। 3 वीडियो राही असी सारा पाठ किया है, फिर किसानों द्वारा अच्छ पढ़िया सी किसानों ने विद्रोह किया, तो जिमें कि स्थाई बंदोबस्त के अनुसार अंग्रेज़ों ने विक्री कानून चलाया सी जिसकी तरीक सी 31 मार्च, जेकर तो जिमीदार 31 मार्च तक अपना लगान जमा करा दिंदा सी तां ठीक सी, जेकर वो लगान जमा नहीं करवाउंदा सी तां उसकी भूमि किसी होर जिमीदार नूं वेच दिंदे सन। देखो जेकर असीं देखिए तां भारत दा ही भारत दी ही जमीन भारत दी ही भूमि भारत दे ही किसान भारत दे ही जिमीदार, तो फायदा कौन लै रहा सी? अंग्रेज़ अजिहियां नीतियां तय कीतियां कि वध तो वध उह अपना फायदा उठा सकन, अखीर दे विच फिर किसानों नूं विद्रोह करने पए, उन्हां दे विरुद्ध डंडा चुकना पिया किसानों नूं, क्योंकि जो सेल्स ला सी भाव बिक्री कानून सी उस दे अनुसार 31 मार्च तक जिहड़ा जिमीदार पैसा जमा करा दिंदा सी स्थाई बंदोबस्त दे अधीन, उसनों मालिक मन्या जांदा सी, नहीं उसकी जमीन किसी नूं होर बेच दित्ती जांदी सी, भावें फसल हुंदी ना हुंदी इस नाल अंग्रेज़ां नूं कोई तालकात नहीं सी। साढ़े हुण भी अरे चलती है ठेकेदारी पिंडां दे विच, कुछ किसान कुछ जिमीदार खेती आप नहीं करते, वो अपनी भूमि किसी होर किसान नूं ठेके ते दे दिंदे ने, जो कि लगभग 1 साल हुंदा है, 2 फसलां हाड़ी दियां ते सौणी दियां, हाड़ी दी भाव कणक दी ते सौणी दी भाव झोने दी, पर साढ़े हुण भी इन्ना भाईचारा है, कई बारी जे फसल खराब हो जाए जां मीह ना पवे जां मीह ज़्यादा पै जाए तो हुण भी साढ़े जो किसान भाई ने उन्हां दी मदद की जाती है, तो जो जिमीदार होंदे ने वाह जिहड़े खेती आप नहीं करते तो वह भाईचारे तौर पर अज भी जो ठेके की कीमत होंदी है मान लो भी 50,000 प्रति एकड़ है तो वह उस दे विचों कुछ ना कुछ घटा देंदे ने कि सारे असीं इक्को जिही हाँ भी फसल घट हुई है तां करके मैनूं ठेका घट दे दे, पर जो अंग्रेज़ सी उन्हां दा भारत दे नाल कोई संबंध नहीं सी, सिर्फ संबंध सी लुट्टण दा, वो भारतीयों नूं खाना चाहुंदे सन जिवें मर्जी, भारत दा जो दे जो कुदरती साधन सन उन्हां नूं वरत आप दे रहे सन किहदे लई अपने लई। तो इस तरह फिर 1849 दे विच पंजाब दे पटियाला अते रावलपिंडी जो पाकिस्तान च है रावलपिंडी, पटियाला दे 1849 विच पंजाब दे पटियाला अते रावलपिंडी विच विद्रोह कीते किसानां ने, सब तो अहम विद्रोह सी नील विद्रोह। नील एक सिल्ले ते गर्म इलाके की फसल सी, अंग्रेज़ उधर इंग्लैंड दे विच उद्योगिक क्रांति आई सी, उन्हां नूं वध तो वध कपड़े नूं रंगण वास्ते नील की जरूरत सी,
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਬੰਗਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਲਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਲਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨੀਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਦੇ ਬਾਗ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਕ ਕੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਾਂ 1858 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1860 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਬੇ। ਤਾਂ 1866 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1868 ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਪਾਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੰਪਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਲ ਸੰਕਟ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 1858 ਤੋਂ 1860 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ 1866 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1868 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 68 ਤੱਕ, ਜੋ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਪਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੰਪਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਚੰਪਾਰਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1866 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1868 ਈਸਵੀ ਤੱਕ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੰਪਾਰਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ, ਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 13 ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸੁਭਾਅ, ਆਦਿ ਲੋਕ। ਬਸਤੀਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 13। ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ, ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। 1991 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਆਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਇਹ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਭਾਰਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਈ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਕਮ, ਗੋਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਦਾਦਰਾ, ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਕਮ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੋਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਦਾਦਰਾ, ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ। ਇਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗੌਂਡ, ਭੀਲ, ਸੰਥਾਲ, ਮਿਜ਼ੋ ਆਦਿ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੌਂਡ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਕਿ ਜੋ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ, ਕੋਈ ਬੰਸਲ, ਕੋਈ ਗਰਗ, ਕੋਈ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੌਂਡ ਕਬੀਲਾ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਇਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗੌਂਡ, ਭੀਲ, ਸੰਥਾਲ, ਮਿਜ਼ੋ ਆਦਿ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੌਂਡ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
इन्हां दा अपना रहन सहन है, इन्हां दे अपने रीति रिवाज ने, सब कुछ इन्हां दा अपना है। ये साडे समाज नालों टुटे हुए लोग हैं, इन्हां नूं साडे समाज नाल कोई तलकात नहीं। तां करके बरतानवी राज समय इन्हां लोकां दे जीवन बारे, इन्हां दा की इन्हां दी हालत आ, इह जानण दी बड़ी कोशिश की गई। आदिवासी लोकां विच्चों 63% लोग पहाड़ी, जिहड़े आदिवासी लोग ने इह 63% लोग 63% रहिंदे ने पहाड़ी खेत्र, पहाड़ी अते जंगली खेत्र विच सब तो वध 63% पहाड़ी माउंटेन हिली अते फोरैसट खेत्र विच, 2.2% लोग टापूआं आईलैंड दे विच, जिवें साडे अंडेमान, जिवें साडा अंडेमान निकोबार आ जांदा, 2.2% टापूआं विच, अते 1.6 लोग अर्ध खंड ठंडे इलाकियां विच, भाव ठंडे खेत्रां विच 1.6, ते टापूआं विच आईलैंड दे विच 2.2, ते सब तो वध रहिंदे ने पहाड़ां अते जंगलां विच 63%। यही लोग झोपड़ियों में रहिंदे हन, भेड़ां बकरियां आदि पालतू पशु रखते हैं, शिकार करना, भोजन इकट्ठा करना, मछियां फड़ना, खेती करन दा कम धंधा ये लोग करते हैं। कबायली समाज के लोगों की सब तो मुढ़ली समाजिक इकाई परिवार है। ये परिवार को मुख समझते हैं, संयुक्त परिवार ने, जिवें अजकल साडे समाज के विच जो परिवार ने वह बिखर चुके हैं, छोटे छोटे परिवार बन गए हैं, पर जिहड़े ये लोग ने आदिवासी लोग ने, इन्हां दा जिहड़ा परिवार है उही मुढ़ली इकाई आ, इह संयुक्त इकट्ठे रहिंदे हन। इन्हां लोगों की जो मुढ़ली समाजिक इकाई है वह है परिवार है। इस तरह क्वेश्चन आंसर, आदिवास लोग 1991 जनगणना अनुसार किन्नी संख्या सी दित्ता होया है, 15, 95, 51, 60। इसनूं तुसीं याद भी कर सकते हो, जेकर याद करना है तो तरीका हर इंडियन सिस्टम, पहला कौमा 3 बार पाओ, फिर 55 बाद, फिर 59 बाद, तुसीं इसनूं याद भी कर सकते हो। कवैली समाज के लोग वध गिणती विच कित्थे रहिंदे हन, असीं पढ़िया सी गुजरात, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा ते मध्य प्रदेश विच। कवैली समाज के लोगों के मुख धंधे किहड़े हन, भोजन इकट्ठा करना, मच्छियां फड़ना, खेती करना, यह धंधे हैं। सही गलत, कबैली समाज भारत की आबादी का किन्ना हिस्सा ने, भारत की आबादी का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कबैली लोग विच रहिंदे हन, कित्थे रहिंदे ने लोग, ये असीं हुणे पढ़िया सीगा, कबैली लोग कित्थे रहिंदे ने गे, कबैली लोग राजस्थान, गुजरात, कई छोटे राज्यां विच रहिंदे हन, पहाड़ां अते जंगलां विच रहिंदे हन, कबीलियां विच गौंड दी गिणती वधेरे है, आदिवासी कबीलियां विच गौंड कबीले दी गिणती सब तो घट है, वध है, ये गलत है, सब तो वध है। कबैली समाज दे लोकां दी सब तो मुढ़ली समाजिक इकाई परिवार है, ये बिल्कुल सही है। तो हेठां यही साडी स्लाइड अंग्रेजी अते अंग्रेजी मीडियम विच कीती हुई है, तो सब तो हेठां इस स्लाइड दे जो क्वेश्चन आंसर ने वह किए हुए हैं, ता जो विद्यार्थी अपना अपना काम कर सकन, ता जो विद्यार्थी अपना अपना काम कर सकन। कबैली समाज के लोग वध कित्थे रहिंदे ने, झोपड़ियां विच रहिंदे ने, झोपड़ियां च। ते जेकर किसी विद्यार्थी नूं कोई समस्या है तो मैनूं वह कॉल या वट्सअप भी कर सकता है, मेरा नंबर है 98762-76777, 98762-76777 मेरा नंबर है। मैनू व्हाट्सएप भी मैसेज भी कर सकते हो, तो मैनू कॉल भी कर सकते हो। धन्यवाद।